मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के 482वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ कस्बे में विशाल जनसभा और वाहन रैली का आयोजन किया गया। ये पहली बार था जब प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ में उनकी जन्म जयंती पर कोई भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रदेश के कई गणमान्य राजनेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी ने एकजुट होकर रहने और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप की जयंती से मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि उनकी जो नेतृत्व करने का जो गुण था, हम सबको ताकत मिलनी चाहिए कि नेतृत्व का गुण हम सब में हो। महाराणा प्रताप ने जब देश की लड़ाई लड़ी थी तब समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर वो संघर्ष किया था। उसमें आदिवासी भी था, माइनॉरिटी का आदमी भी था, महाजन भी था। तो एक नेतृत्व करने की क्षमता में सबको साथ लेकर चलकर किसी उद्देश्य के लिए हम लड़ते हैं, ये नेता में गुण होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसमें नेतृत्व के इस गुण के कारण महाराणा प्रताप मुगलों की सेना का मुकाबला कर पाए। हम सब में वो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेश को, पूरे, मैं तो कहूँगी पूरे विश्व के लिए बहुत गर्व का दिन है आज। यहाँ पर मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, स्थानीय लोगों के लिए ये निःशुल्क होना चाहिए। और लेकिन अब इस ये बात तो क्या है कि ये इसमें टूरिज्म का और ASI का दोनों का ही इसमें पार्टनरशिप है। तो इसमें क्या है कि कुछ काम तो टूरिज्म के अंडर आता है तो वो तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो तो उनको करना होगा। जो ASI के अंडर है, बिल्डिंग वगैरह ये सब ASI के अंडर है, तो वो भी मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूंगी, जो राजस्थान सरकार है उनको भी अपनी तरफ से जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन टूरिज्म के लिहाज में मुझे लगता है जहाँ पर टूरिज्म की बात आती है उसमें राजस्थान सरकार बातें तो बहुत करती है लेकिन जब काम करने का समय आता है तब काम नहीं कर पाती। करनी सेना इसमें आंदोलन शुरू कर चुकी है और कर रही है। आपने देखा हल्दी घाटी का की पट्टी का हम लोगों ने चेंज की। अब उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि महाराणा प्रताप ने जीते जी जिस कुंभलगढ़ पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया उसमें आज कौन रह रहे हैं, उसमें आज कौन झंडे लगा रहे हैं, कौन से झंडे फहरा रहे हैं वहाँ। करनी सेना यह चाहती है वो किला पूर्ण रूप से मुक्त हो, उससे कब्जे हटाए जाएं और महाराणा प्रताप जी कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो यहाँ से एक मुट्ठी भर के मिट्टी ले जाते हैं और विदेश में छिड़कते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमारे देश में भी पैदा हो। पर ये दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, भारत को महाराणा प्रताप ने स्वतंत्र रखा, आजाद रखा, फिर भी महाराणा प्रताप को पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता, ये दुर्भाग्य है। इसलिए करनी सेना पूरे जोर शोर से इस मामले को उठा रही है और उठाते रहेंगे हम। करनी सेना बनाने का उद्देश्य ही यही था कि जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, उन्होंने जो इस देश के लिए त्याग और बलिदान दिया तो इतिहास में उनको कमज़ोर लिखा गया, कम आंका गया, उनको जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और जहां ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया उनकी जन्म स्थली पे कोई बड़े आयोजन नहीं होना और जो वहां के लोगों को वहां की जो क्षेत्रीय जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए, इस बात को लेके ही करनी सेना ने ये आयोजन यहाँ पे रखा है। और इस आयोजन में से आज हम इस मंच के माध्यम से ये मांग करेंगे कि महाराणा प्रताप का जो इतिहास था उस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा जा रहा है कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता, उन इतिहास की किताबों को भी अपनी गलती का सुधार करना होगा।